सभी भक्तों के चरणों के दंड प्रणाम, गुरु महाराज जी श्री चरणों के दंड प्रणाम। तो आज हम चर्चा शुरू करेंगे। ज्ञान ते मृंद से ज्ञानांजन शलाक चक्षुर मिलित मेरे तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रसारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा, सभी भक्तों को स्वागत है। पिछली बार जब हम आए थे तब हम टोन ऑफ डिटैचमेंट अटैचमेंट इन चैंटिंग के विषय में हमने चर्चा किया। नाम जप के अंतर्गत आसक्ति का जो प्रभाव है, तो उसके विषय में हमने चर्चा शुरुआत किया। केवल हमने आसक्ति का क्या प्रभाव रहता है, किस प्रकार से क्यों अनासक्त होना ही है, अनासक्त हुए बिना कोई भी व्यक्ति नाम जप नहीं कर सकता या भक्ति में आगे नहीं बढ़ सकता है, इसके विषय में हमने बताया। श्रील प्रभुपाद जी का कुछ कोट से लेकर साथ ही साथ कुछ एग्जाम्पल भी हमने बताया। किस प्रकार से श्रील प्रभुपाद जी एक सुंदर उदाहरण देते हैं बारात घर की। बारात में जो जिनकी जो बारात पार्टी जिनको जाना होता है नदी पार करके, तो नाव में बैठते हैं बट वो लंगर खोले बिना वो चलाने लगते हैं। पर जितना भी चलाया जाए फिर भी वो दूसरी पार पहुंच नहीं पाते क्योंकि लंगर खोला नहीं गया है। तो उसी प्रकार से तभी भगवान ने, जब मन को नियंत्रण करने के बाद जब अर्जुन ने भगवान से पूछा मन को कैसे नियंत्रण किया जाए, तब भगवान ने ही समाधान दिया। भगवान ने कहा कि अभ्यास है न तो कौनते या वैराग्य न च गृह्यते। अभ्यास और वैराग्य, जब तक ये दोनों चीज नहीं करे, दोनों ही करेंगे तभी आप मन को नियंत्रण एक हद तक कर पाओगे। तो अभ्यास भी करना होगा और वैराग्य भी करना होगा। मोस्ट ऑफ द टाइम ज्यादातर लोग अभ्यास करते हैं बट वैराग्य उसको विकसित नहीं करते। अभ्यास तो कर रहे हैं, रोज नाम जप कर रहे हैं, रोज साधना कर रहे हैं, रोज सब कुछ कर रहे हैं, बट वो वैराग्य विकसित करने का प्रयास नहीं करते हैं। इसकी वजह से देन फिर वो नाव चला रहे हैं बट लंगर खोल नहीं रहे, जिसकी वजह से फिर वो आगे बढ़ नहीं पाते। चाहे कितना भी अभ्यास करो बट अनासक्ति नहीं है, देन फिर आगे बढ़ता नहीं ना। तो इसलिए फिर दोनों ही साइमल्टेनियसली होनी चाहिए, अभ्यास भी करनी चाहिए, साथ ही साथ वैराग्य भी होना होगा। तो तभी व्यक्ति अपना मन को नियंत्रण करके वो मन को भगवान की नाम पे लगा पाएगा। अन्यथा अगर आप नाम जप के दौरान अगर आप अपने मन को ऑब्जर्व करें, तो अनेक प्रकार के विचार बारंबार आते ही जाता है, सैकड़ों की संख्या में विचार, विभिन्न प्रकार के विचार आते जाता है। एंड अगर कोई भी एक विचार को पकड़ कर उसकी जड़ को आप पकड़ने का प्रयास करेंगे तो पता चलेगा हर एक जो भी विचार आता है, जो विचार आपको सबसे ज्यादा सता रही है, उन विचारों का अगर देखा जाए देन उन विचारों को कहीं ना कहीं कोई ना कोई आसक्ति के साथ संबंध होता है। किसी प्रकार के आसक्ति के कारण वो आगे जाकर वो विचार हमारा मन में आ रहा है ना। तो उदाहरण के लिए अगर किसी को सम्मान पाने की आसक्ति है, मान पाने की आसक्ति है, अगर पिछले दिन किसी ने उनकी अपमान कर दिया या पर्याप्त मात्रा में मान नहीं दिया, तुरंत अगले दिन नाम जप में तो उस मान नहीं पाने की कारण, मान नहीं मिल पाने के कारण उस सिचुएशन के संबंधित विचार बारंबार दिमाग में आता जाएंगे। उसने मुझे क्यों पर्याप्त मात्रा में मान नहीं दिया, क्यों मुझे अपमान किया, क्यों इस प्रकार से उन्होंने कहा, तो उस प्रकार से बारंबार इसी इसी के संबंधित विचार आएगी। क्यों? हम आसक्त है मान पाने के प्रति, मान के प्रति हमारा आम आसक्त,
जिसकी वजह से फिर उसके संबंधित विचार हमारे मन में आता है। तो इसलिए वस्तुओं से, व्यक्तियों से, परिस्थितियों से, पोजीशन से, इत्यादि चीजों से अनासक्त जब तक व्यक्ति नहीं होता है तब तक उनकी मन नाम में नहीं लगता है। तो इसके विषय में ये सारे बातें हम वैसे तो पिछली बार हमने चर्चा किया ही है। तो ठीक है, अगर अनासक्ति इतना महत्वपूर्ण है और देन पर इसको विकसित कैसे करें, क्या करना होगा, क्या अलग से हमें कुछ करना होता है, ये क्या है, तो इसके विषय में थोड़ा सा हम चर्चा करते हैं। बस श्रीमद् भागवतम के अंतर्गत एक स्थान पर कहा जाता है कि किसी भी चीज के प्रति अगर अनासक्ति विकसित करनी है देन उस वस्तु या व्यक्ति या विशेष के प्रति दो चीजें हमें समझना होता है, दो चीजों के ऊपर मनन करना होता है, तब उस वस्तु विशेष के प्रति हमें हम अनासक्त हो सकता है। ये दो चीज क्या है कि एक तो टेम्पररी एंड मिजरेबल नेचर, अशाश्वत और वो कितना दुखदायक है और कैसे अशाश्वत है, ये दो चीजों पे अगर हम ध्यान दें या मनन करें, वो कैसे टेम्पररी, कैसे अशाश्वत है एंड कितना वो दुख दे सकती है, कितना दुखदायी है, अगर इन दोनों चीजों पे अगर हम सोचें, अगर कोई भी बात आपको बहुत ही सता रही है, कोई भी विचार आपको बहुत सता रही है, देन उसके संबंधित आसक्ति को देखिए एंड फिर वो आसक्ति जो भी है अगर उसके संबंधित अगर ये दो बातें अगर सोचे वो किस प्रकार से अशाश्वत है एंड किस प्रकार से कितना वो दुख देने वाली है, ये अगर ये दो बातें अगर हम सोचे देन फिर धीमे धीमे उस चीज के प्रति अनासक्त होना वो नेचुरल हो जाता है, वो आसान बन जाता है। देन इसके विषय में ही भागवतम के 11वां स्कंध के अंतर्गत बताया जाता है, 11वां स्कंध में 8वां श्लोक का 8वां अध्याय की 42nd श्लोक 11:8-42 में इसकी अनुवाद, उस श्लोका के अनुवाद हम बता रहे हैं। When the living entity sees that the entire universe has been seized by the serpent of time, it becomes sober and sane, and at that time detaches itself from all material sense gratification. सारे भौतिक इंद्रिय तृप्ति के प्रति अनासक्त व्यक्ति कैसे हो जाता है, बस इस बात को समझने से, कैसे हर चीज समय के अधीन है, समय के अधीन है, समय से सभी को सब कुछ नियंत्रित है एंड सब कुछ किस प्रकार से समय से अधीन होने के कारण एक आदि अंत बनता है, एक समय पर शुरुआत होती है और एक समय पर खत्म हो जाती है, एक समय पर शुरुआत होगी एंड एक समय पर खत्म हो जाएगी, तो उस प्रकार से हर चीज किस प्रकार से एक समय पर शुरुआत होता है एक समय पर खत्म हो जाता है, अगर इस बात को अगर हम गौर से अगर सोचे मनन करें देन फिर यहाँ पर इस श्लोक में बताए जा रहे हैं देन उन चीजों के प्रति अनासक्त होना बहुत आसान है। जैसे उदाहरण के लिए इंद्रिय तृप्ति, मान लीजिए अगर हम कुछ खाते भी है, कुछ खाते हैं, मान लीजिए कि हम कुछ रसमलाई खा रहे हैं, रसमलाई खा रहे हैं, वो कितना देर तक वो रसमलाई हमें स्वाद और आनंद दे पाएगी, आप सोचिए, वो स्वाद देना तब शुरू करेगी जब आप रसमलाई को अपना जिह्वा पर रखेंगे एंड हमारे जिह्वा का जैसा वो गले से नीचे उतर जाता है देन उसके स्वाद खत्म हो गया, उससे जो भी आनंद मिलना था वो खत्म हो गया, बस जो जिह्वा की शुरुआत में जब आपने रखा है तब से लेकर गले के नीचे उतरने के पहले तक वो आपको स्वाद देगी, बस वो 3 इंच की दूरी कवर करने में, हमारा जिह्वा मान लो 3 इंच का है, तो 3 इंच की दूरी कवर करने में जितना समय, जितना देरी वो रसमलाई हमारे जिह्वा पर रहती है बस उतना देर तक उससे हमें आनंद मिलेगा, फिर तो उसके बाद खत्म। तो वही बात भगवान कह रहे हैं आदि अंत बनता है, ये एक समय पर आदि शुरुआत होती है एंड एक समय पर खत्म हो जाती है, इसलिए फिर भगवान कहते हैं न तेषु रमते बुधा, ऐसा आनंद में कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति, रमते बुधा, बुधा मतलब बहुत बुद्धिमान व्यक्ति, कभी भी बुद्धिमान व्यक्ति इन सारे इस प्रकार के आनंद में कभी वो न तेषु रमते,
इस प्रकार के आनंद में कभी लगता नहीं, लगते नहीं उसमें। इट डज नॉट इंडल्ज इन सच सॉर्ट ऑफ एन एंजॉयमेंट, उस प्रकार के एंजॉयमेंट वो अपने आप को लगाता नहीं है। इस प्रकार के आनंद जो एक समय पर शुरुआत होती है, एक समय पर खत्म हो जाती है। इसलिए ये जो टेम्पररी नेचर है इस आनंद की, इसके विषय में मैं सोचना होगा कि अगर ठीक है, अगर मुझे मिल भी जाए ये तो कब तक रहेगा, कब तक रहने वाली है, ये तो ज्यादा समय तो नहीं रहने वाली है। बिकॉज हमें जैसा गीता में भी, जब अर्जुन अपना परेशानी को लेकर जब भगवान के पास गए थे, भगवान मैं बहुत कंफ्यूज हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ, मैं अपना समस्या को तो कुछ तो मैं सुलझा नहीं पा रहा हूँ, मैं बहुत कंफ्यूज हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहे, बहुत दुखी हो रहे थे, रो रहे थे, शरीर कम कम रहा था, गले सूख जा रहा था, उस प्रकार की स्थिति हो गया था अर्जुन की। तो अर्जुन जब भगवान के पास गया, अर्जुन भगवान ने कैसे अर्जुन को काउंसलिंग दिया, भगवान ने सीधा उनकी समस्या को समाधान, कोई परिस्थिति को एडजस्ट करते हुए नहीं दिए थे, ठीक है कोई बात नहीं आप बैठ जाओ मैं संभाल लेता हूँ, ऐसा नहीं किया। भगवान ने क्या कहा, मात्रा स्पर्शास्त्र कौन्तेय शीतोष्ण शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा पायनो अनित्या सांस्कृतिक भारत। देखिए अर्जुन, इस प्रकार की परिस्थिति रहते हो जब तक आप भौतिक दुनिया में तो है, भौतिक दुनिया में जब तब तक तो ये तो आते ही रहेंगे, इस प्रकार की परिस्थितियां परिस्थिति तो वो आते ही रहेंगे, बट आपको क्या करनी है, आगमा पायनो नित्यास, ये इसकी अनित्या, इसकी टेम्पररी नेचर समझते हुए, ये तो एक समय पर शुरुआत होगी, एक समय पर खत्म हो जाएगी, आनंद भी एक समय पर शुरुआत होगी खत्म हो जाएगी, एंड उसी प्रकार से दुख भी एक समय पर शुरुआत होगा और एक समय पर खत्म हो जाएगी। इस प्रकार की टेम्पररी नेचर, इस प्रकार का शाश्वत स्वभाव है इस भौतिक प्रकृति की, इसको ध्यान में रखते हुए आप इन चीजों को सहन करो। सहनने के अलावा आप कुछ और बहुत ज्यादा कुछ नहीं कर सकते हो। अब बहुत ज्यादा कुछ करने का प्रयास करेंगे सहनने के अलावा, देन केवल सिचुएशंस को, परिस्थितियों को एडजस्ट करने में ही आपका सारा जीवन निकल जाएगा। ऑल ऑफ योर लाइफ विल बी सिंपली कंज्यूम्ड इन एडजस्टिंग द टेम्पररी सिचुएशंस ऑफ दिस वर्ल्ड। एंड समय सबसे ज्यादा कीमती है, हमने कितने करोड़ों जन्मों की तपस्या के बाद अभी के समय पर, कितने करोड़ों जन्म हम कितना कष्ट झेलने के बाद अभी के समय पर हमें मनुष्य जीवन मिला है, इस मनुष्य जीवन के अंतर्गत साधु संगति मिला है, एंड वैसा साधु संगति में जो बहुत ही कीमती समय जो हमें मिला है वो सारा समय बर्बाद हो जाएगी केवल परिस्थितियों को एडजस्ट करते रहने में, अगर परिस्थितियों को एडजस्ट करने को प्रयास करते रहे। इसलिए भगवान कह रहे हैं अर्जुन, इन परिस्थितियों को एडजस्ट करने का प्रयास मत करो, ये तो आते ही रहेंगे, बस आपको सहते हुए अपना भक्ति करना, इन चीजों को, आनंद को भी सहना होगा, दुख को भी सहना होगा, आनंद को भी सहना होगा, दुख को भी सहना होगा, दोनों को सहते हुए हमें आगे बढ़ना। तो उस प्रकार से यहाँ पर भी भगवान वो तो टेम्पररी नेचर, ये अशाश्वत स्वभाव की स्मरण दिलाते हुए अर्जुन को सहने के लिए कह रहे हैं, सहने के लिए कह रहे हैं। तो इसलिए सहनशीलता स्वाभाविक होगा, नेचुरल होगा और बढ़ भी जाएगी जब हम इस भौतिक प्रकृति की अशाश्वत स्वभाव को अगर ध्यान में रखें, तो तभी यहाँ पर इस श्लोक में इस प्रकार से कहा जा रहा है। एंड फिर आगे जाकर एक 11वां स्कंद में ही ये सारे उद्धव गीता के अंदर जो भगवान ने उद्धव जी को जो ज्ञान दिया है, तो उसके संबंधित भगवान ने जो जो कहा वो बता रहा हूँ। तो उसमें 11वां स्कंद में 19वां अध्याय 17वां श्लोक में भगवान ने बात कहते हैं कि द फोर टाइप्स ऑफ एविडेंस, चार प्रकार के जो प्रमाण है, वन कैन अंडरस्टैंड द टेम्पररी इन सब्सटेंशियल सिचुएशन ऑफ द मटेरियल वन डज बिकम डिटैच्ड। यहाँ पर भी भगवान वही बात कह रहे हैं, चार प्रमाणों के आधार पर व्यक्ति को सोचना पड़ेगा, लॉजिकली और लॉजिकली अनुमान प्रमाण के आधार पे, प्रत्यक्ष प्रमाण के आधार पे और शब्द प्रमाण के आधार पे व्यक्ति को सोचना पड़ेगा किस प्रकार से ये सारा अशाश्वत है करके। मेरे वीडियो बंद हो गए ना, समझना होगा। तो
तो इस प्रकार से भगवान यहाँ पर भी अशाश्वत स्वभाव के विषय में यहाँ पर एम्फसाइज कर रहे हैं या जोर दे रहे हैं। एंड फिर उसी प्रकार से भगवान ये भी बात कहते हैं कि किस प्रकार से ये भौतिक सृष्टि जो है वो दुखदायी है, इसके विषय में भी सोचना होता है। कितना दुख हमें मिलता है इस भौतिक सृष्टि से, इसके विषय में भी मनन करने से देन फिर व्यक्ति को समझ आएगी कि कैसे इन चीजों से बचने का प्रयास करेगा। क्योंकि तो जब भी हमें पता चलता है कोई भी चीज हमें दुख दे रही है, तुरंत हम उससे बचने का प्रयास करते हैं ना, ये बहुत स्वाभाविक है। अगर आपको पता है कि आग को पकड़ने से हाथ जलता है, तो इसलिए हम अग्नि से बचने का प्रयास करते हैं। उसी प्रकार से हमें पता है कि चाकू से अपने हाथ को काटने पे दर्द होता है, तो इसलिए हम कभी काटते नहीं है, हम बहुत सतर्क रहते हैं चाकू के साथ काम करते वक्त। बट वही बच्चे जिनको ये नहीं पता अग्नि को पकड़ने से जलता है, चाकू से असतर्कता पूर्वक कार्य करने से कट जाता है करके, उन बच्चों को पता नहीं, तो इसलिए फिर वो लोग अग्नि को पकड़ने का प्रयास करते हैं, आग के साथ खेलने का प्रयास करते हैं, बिकॉज उनको पता नहीं है। बट हमें पता है कि नहीं, आग को पकड़ूंगा तो मुझे जलेगा, आग को पकड़ूंगा तो मुझे जलेगा, ये आपको पता है, तो इसलिए हम अग्नि से बचते हैं। तो उसी प्रकार से जितना हद तक आप समझ पाएंगे कि ये भौतिक सृष्टि के अंतर्गत किस प्रकार से चीजें हमें दुख देती है, तो उस हद तक आप भौतिक चीजों से बच पाओगे। अगर आपको ये कन्विक्शन नहीं है किस प्रकार से दुख देने वाली है, देन फिर फंस जाएंगे, देन फिर फंस जाएंगे, देन फिर वो बच्चों की तरह अग्नि आग के साथ खेलने का प्रयास करेंगे, देन फिर आग उन्हें जला दे। कई बार तो आग जलाने के बाद भी बच्चे सीखते नहीं है, वो अपनी इमेच्योरिटी के कारण। उसी प्रकार से कई बार भक्त अपने इमेच्योरिटी के कारण वो समझ नहीं पाते हैं किस प्रकार से इंद्रिय तृप्ति उनको जलाती है, ये समझ नहीं पाते हैं, इसलिए फंस जाते हैं। तो इंद्रिय तृप्ति कैसे दुख देती है, कैसे कन्विक्शन आएगी? फिर हम सभी का अनुभव तो यही कहती है कि इंद्रिय तृप्ति करने से हमें खूब आनंद मिलता है, जैसा रसगुल्ला खाने से, रसमलाई खाने से खूब आनंद आता है, तभी तो हम खाते हैं। बट ये हमें दुख कैसे देती है, इसके विषय में सोचना पड़ेगा, क्योंकि हमारा अनुभव तो उल्टा कह रहे हैं, हमारा अनुभव तो कह रहे हैं कि इससे आनंद मिलेगा, तो इसलिए हम अनुभव के हिसाब से चल रहे हैं, इसे उसे आनंद लूटने का प्रयास करते हैं। बट शास्त्र तो उल्टा कहती है, क्योंकि भगवान गीता में कहते हैं संस्पर्शजा भोगा दुख यो नहीं है। भैया देखिए, आप अगर आप इंद्रिय वस्तु को साथ में ले आएंगे, देन वहां पर दुख का जन्म होता है, वहां पर दुख का जन्म होता है। बट हमारा अनुभव तो कहती है नहीं तो सुख मिलता है वहां से, बट भगवान कह रहे दुख मिलता है। अगर भगवान कह रहे दुख मिलता है और हमारी अनुभव कहती है कि सुख मिलता है, देन इधर हम करेक्ट होंगे या भगवान करेक्ट होंगे, फिर कौन करेक्ट है, हम या भगवान? भगवान ही तो होना चाहिए करेक्ट, तो इसका मतलब हमारी अनुभव गलत है फिर। तो इसको कैसे समझे, कि इसके विषय में सोचना पड़ेगा कि कैसे ये इंद्रिय सुख, जो इंद्रिय वस्तु को इंद्रिय के संपर्क में लाने पे हमें दुख कैसे मिलता है, ये अगर सही सही बात किया जाए, इससे तो सुख मिलता है, बट ये जो सुख मिलता है उस सुख के स्वभाव के विषय में भगवान ने ऑलरेडी पहले कहा, ये आदि अंत मंत्र कौन थे, ये तो अशाश्वत है। बट ये जो छोटा सा चप्पल सुख है, वे इंद्रिय वस्तु के संपर्क में जो आने से जो जनित होता है, प्रकट होता है, वो केवल हमें फंसाने के लिए ये आनंद वहां पर रखा गया है। जिस प्रकार से कभी एक मछली को पकड़ने के लिए, ये मछली या नहीं तो एक चूहे को पकड़ने के लिए, एक चूहे का केज होता है, उस चूहे के केज में कुछ ना कुछ हम बहुत स्वादिष्ट चीज वहां पर लटका कर रखते हैं,
चूहे को लगता है कि अरे मेरे लिए ही किसी ने लटका कर रखा है, तो मैं जाकर खा लेता हूँ। चूहा क्या करेगी, फिर चूहा उस केज के अंदर जाएगी एंड उनको लगेगा अरे मेरे लिए किसने बहुत अच्छा से लटका कर रखा है, फ्री में मिल रहे हैं, तो फिर खा लेते करके जाकर खाएगी। बट जितने देर में खाएगी वो फंस जाए, खाने के चक्कर में गई और फिर उसके चक्कर में वो फंस भी गई। तो अभी ये तो खाते वक्त तो चूहे को खूब आनंद मिल रहा था, जो भी वहां पर रसगुल्ला रसमलाई जो भी लटका गया था, तो उसे खाने में उनको चूहे को तो खूब आनंद मिल रहा था। बट अल्टीमेटली ये रसगुल्ला उसकी दुख की कारण ही बना ना, क्योंकि उन्हें इस केज के अंतर्गत फंसने की कारण वही बना। अगर वो रसगुल्ला रसमलाई नहीं ना होते देन फिर वो फंसते नहीं है, बेचारे उनका पूरा जीवन बर्बाद होगी केवल उस रसगुल्ला रसमलाई के चक्कर में। तो उस प्रकार से वो छोटी सी आनंद के चक्कर में तो उनको बहुत बड़ा दुख मिल रहा है जीवन में, उस चूहे को पूरा जीवन वो फंस गई। तो उसी प्रकार से माया भी हमें इस भौतिक दुनिया के अंतर्गत बांध कर रखने के लिए कोई रस्सियों का प्रयोग नहीं करती है माया, वो केवल इस प्रकार के चपल सुख की प्रयोग करती है, इस चपल सुख के माध्यम से हमें इस भौतिक दुनिया के अंतर्गत बांध देती है, भौतिक दुनिया के अंतर्गत बांध देती है। तो उस प्रकार से ये सुख रूपी रस्सियों से हमें इस भौतिक दुनिया में बांधा जा रहा है, बांधा जा रहे जिस भौतिक दुनिया का स्वभाव ही है दुख देना, दुख खा ले। तो ऐसा दुख के साथ हमें बांधने के लिए सुख की रस्सी का उपयोग किया जा रहा है, दुख के साथ बांधने के लिए सुख का रस्सी उपयोग किया जा रहा है। कितने इंटेलिजेंटली बनाएगी आप सोचिए, इस पूरे भौतिक दुनिया कितना बुद्धिमानी के साथ बनाएगी, ना कोई सिक्योरिटी गार्ड की जरूरत है इस दुनिया की जेल से, कोई भागने को प्रयास ही नहीं करता, तो कोई इस दुनिया की जेल से भागने को प्रयास ही नहीं करता, तो ऐसा जेल बनाएगी, कोई सिक्योरिटी का जरूरत ही नहीं है, क्योंकि यहाँ से कोई भागने को प्रयास ही नहीं कर रहे, कोई उल्टा हम सेमिनार देकर समझा रहे कि नहीं भागो, फिर भी भागते नहीं लोग, फिर भी भागने के लिए निकलने के लिए तो प्रयास ही नहीं करते। तो उस प्रकार की स्थिति है इस भौतिक दुनिया को, उतना इंटेलिजेंटली बनाएगी इस भौतिक दुनिया को। तो इसलिए यहाँ पर तभी भगवान दो श्लोकों में इस स्वभाव को एम्फसाइज किए थे, दुखाले मशाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्मनः समचित्तं परमां गतिं, परम धाम को प्राप्त करने के बाद महात्मा लोग जो है उन्हें इस दुखाले अशाश्वत रूपी इस भौतिक दुनिया को वापस वापस नहीं आएंगे। उसी प्रकार से एक और श्लोक में भगवान इसी बात को कहते हैं, असु अनित्यम असुखम लोकम इमाम प्राप्य भजस्व, इस प्रकार के अनित्य लोक को और असुखम लोक को प्राप्त करके, प्राप्त होने के बाद इस ऐसा दुनिया में आने के बाद आप मेरी भजन करो, मेरी भक्ति करो करके यहाँ पर भी भगवान वही बात कह रहे हैं। तो इस प्रकार से ये दोनों बातों से हम समझ सकते हैं कि ये दो शब्द कितना महत्वपूर्ण है, कि टेम्पररी एंड मेजरेबल नेचर ऑफ दिस मटेरियल वर्ल्ड। जब इन दोनों बातों पर हम जब मनन करेंगे तब उन चीजों के प्रति हम अनासक्त होना बहुत आसान पड़ेगा, अनासक्त होना बहुत आसान पड़ेगा। जब आपको पता चले कि ये तो पकड़ने से शौक लगेगा देन फिर आप खुद ही बचेंगे। बच्चों को पता नहीं है कि अगर सॉकेट में हाथ रखने से शौक लगता है करके, तो फिर बच्चे बारम्बार सॉकेट के पास जाकर हाथ रखने के प्रयास ही करेंगे। इसलिए हम भक्ति में आगे प्रगति करने का यही मतलब होता है, हमें इस प्रकार की जानकारी मिलता है, इस प्रकार की जानकारी हमें मिलता है, इस प्रकार के साक्षात्कार हमें होता है कि ये मुझे शौक लगेगा इसलिए मुझे दूर रहना है, मुझे बहुत आकर्षित तो लगेगा बट फिर भी मुझे दूर रहना है, क्योंकि इसी में हम फंस जाते हैं। जैसा कि भागवत में एक और उदाहरण भी दिया जाता है, जिस प्रकार से रात्रि के समय छोटे छोटे कितने सारे कीड़े होते हैं ना, कितने सारे कीड़े होते हैं, वो कीड़े बहुत आकर्षित होती है प्रकाश के प्रति, अग्नि के प्रति, अग्नि से इतने आकर्षित होकर उसी अग्नि में जाकर जलकर भस्म हो जाते हैं, मर जाते हैं। वो मौत जो है, वो छोटे छोटे कीड़े वो अग्नि से ही आकर्षित होकर अग्नि के पास जाके अग्नि में ही जलकर मर जाते हैं।
जिनके प्रति वो आकर्षित हो रहे, वही चीज उनको जलाकर खत्म कर दे रही। उसी प्रकार से गलत चीजों के प्रति, अगर माया के प्रति, अगर हम भी इस भौतिक दुनिया के प्रति आकर्षित हो, भौतिक दुनिया तो बहुत आकर्षणीय है, वो आकर्षित होंगे, बट आकर्षित होकर नजदीक जाएंगे तो फिर जलकर राख बन जाए, मर जाएंगे। उसी प्रकार इसलिए हमें भक्तों को बुद्धिमानी से बचना होगा माया से। तभी श्रील प्रभुपाद जी अक्सर ये बात कहा करते थे, मेरा अपने भक्तों से एक ही कंप्लेंट है, वो माया से पर्याप्त डरते नहीं है, वो डरते नहीं माया से। तो ये प्रभुपाद जी कंप्लेन रहा करता था। तो इस प्रकार से ये दोनों बात हमें ध्यान रखना होगा। एंड लास्टली एक और महत्वपूर्ण बात यही कि एक और जगह इस प्रकार से श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति केवल अनासक्त होने पे ही अलग से ध्यान दे रहे हैं, वो भक्ति करने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, देन फिर उनकी वैराग्य, फल को वैराग्य होगा, वो कभी भी स्थित नहीं रह पाएगा, वो टिक नहीं पाएगा, उनकी वैराग्य वो खराब हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अगर कृष्ण भावना भावित नहीं है उनकी वैराग्य, देन फिर उनकी वैराग्य वो रह नहीं पाए, वो टिक नहीं पाएगा, वो खत्म हो जाएगी, वो थोड़ी ही देर के लिए रहेगा। उसको मर्कट वैराग्य या फल्गु वैराग्य कहा जाता है। वो वैराग्य भी संसार वैराग्य की तरह एक समय पर, जैसे संसार वैराग्य की तरह एक समय पर दिखेगा और एक समय पर खत्म हो जाएगी, वो तो टिकने वाला नहीं। क्योंकि असलियत में रियल रिनन्सिएशन मीन्स, श्रील प्रभुपाद जी एक तात्पर्य लिखते हैं, रियल रिनन्सिएशन मीन्स कंप्लीट डिपेंडेंस ऑन कृष्णा, भगवान श्री कृष्ण के ऊपर पूर्ण निर्भरता ही असलियत में वैराग्य है। एंड इस प्रकार के वैराग्य विषय में ये पूर्ण निर्भरता कैसे आएगी, इसके विषय में एक और जगह श्री रूपा जी बात लिखते हैं कि जैसे जैसा हम हमारे अंदर, जैसा जैसा हम शास्त्रों के अध्ययन करते हैं, साधुओं से सुनते हैं, वैसा वैसा हमें इस बात को समझना होता है कि हम कैसे हर प्रकार से भगवान श्री कृष्ण के ऊपर निर्भर है। हर प्रकार से भगवान श्री कृष्ण के ऊपर निर्भर है। अगर इस बात को जो भी व्यक्ति ने गहराई से समझा है, वो व्यक्ति पूर्ण रूप से भगवान श्री कृष्ण के ऊपर निर्भर होगा, देन उनके अंदर असलियत में वैराग्य प्रकट होगा। और जैसा कि पूर्ण रूप से कृष्ण के ऊपर निर्भर होने का मतलब ये होता है, या वैराग्य का मतलब यही ये भी होता है कि टू अंडरस्टैंड दैट एवरीथिंग बिलोंग्स टू कृष्ण, हर चीज भगवान श्री कृष्ण की है। जिस व्यक्ति ने इस बात को समझा है, हर चीज भगवान श्री कृष्ण का है, देन फिर वो सही में वैराग्य में स्थित है, सही में वैराग्य में स्थित है। अगर कोई अगर इस प्रकार से भी सोच रहे हैं, मैंने बहुत कुछ छोड़ा है, अगर कोई सन्यासी भी, अगर कोई ब्रह्मचारी भी इस प्रकार से सोचता है कि मैं बहुत बड़ा धनी परिवार में जन्म लिया, मैं बहुत बड़ा पढ़ा लिखा हूँ, मेरे पास बहुत बड़ा जॉब था, मैंने सब कुछ छोड़ दिया, अगर इस प्रकार से सोचता है, देन इसको मतलब उसने समझा नहीं वैराग्य क्या होता है, समझा नहीं, बिकॉज वो सोच रहे कि मेरी थी और मैंने अभी छोड़ दिया। इसका मतलब उनके मन में है ना बात कि ये मेरा था करके, ये जो मेरी भावना को छोड़ना ही तो वैराग्य है असलियत में, अहम ममेति वाले भावना को छोड़ना ही वैराग्य है। अगर ये सोच रहे हैं ब्रह्मचारी या सन्यासी को सोच रहे, मेरे इतना कुछ था और मैंने छोड़ दिया अभी, इसका मतलब बेचारे वो तो वैराग्य में नहीं, वो केवल दिखावा में पड़े हुए हैं कि मैं इतना कुछ था, मैंने इतना कुछ छोड़ दिया करके, ये भी वैराग्य नहीं होता। वैराग्य का मतलब यही है, मेरा कुछ भी नहीं था, मेरा कुछ भी नहीं रहेगी आगे भी, एंड सब कुछ किनकी है, भगवान की है, सब कुछ भगवान की, मेरा कुछ था ही नहीं छोड़ने के लिए ना, मेरा कुछ तो था ही नहीं छोड़ने के लिए, सब कुछ तो भगवान का ही है, भगवान का ही है, मैं क्या छोड़ने वाला हूँ, मैं क्या पकड़ने वाला, सब कुछ भगवान के, जब सब कुछ भगवान की है, मैं क्या छोड़ सकता हूँ। जब आपकी घर की गाड़ी है, मान लो पड़ोस की किसी का गाड़ी है, वो गाड़ी को मुझे क्या अनासक्त होना है, वो तो उनकी गाड़ी है, वो तो वैसे ही मेरे से अलग ही है वो चीज, तो
उसी प्रकार से जब सब कुछ भगवान की है तो उसे हम क्या छोड़ेंगे, क्या पकड़ेंगे। इसके प्रभुपाद कहते हैं उसी तात्पर्य में कि जब इस बात को समझता है व्यक्ति, जब सब कुछ भगवान की है, देन उन चीजों को भगवान की सेवा में उपयोग करना ही असली वैराग्य है। अपना ना मानते हुए उन चीजों को भगवान की सेवा में उपयोग करना ही असलियत में वैराग्य है। इसी को रूप गोस्वामी कहते हैं, निर्बंध कृष्ण संबंधी युक्तम वैराग्य मुच्यते। तो इस प्रकार से हर चीज को भगवान की है करके मानते हुए, हर चीज को भगवान की सेवा में ही एक प्रयोग करना, उन चीजों की असली उपयोगी, इसी को असलियत में वैराग्य कहा जाता है। इस प्रकार के वैराग्य ये शाश्वत है। ये प्रभुपाद जी ये भी लिखते हैं कि वैर जो फल्गु वैराग्य वो एक समय पर प्रकट होगा और खत्म हो जाएगी, बट असली वैराग्य वो हमेशा रहेगी, वो जीवन भर रहेगी, वो कभी खत्म नहीं होता, वो कभी परिस्थिति वरिस्थिति से वो प्रभावित नहीं होता है, कि वो हमेशा उस व्यक्ति के अंतर्गत रहेगी। बिकॉज ये कन्विक्शन है, ये असलियत में वैराग्य को मतलब ये कन्विक्शन है, सब कुछ भगवान की है, मेरा अपना कुछ नहीं है, तो इसलिए मुझे हर चीज भगवान की सेवा में ही उपयोग करनी है। उसी प्रकार से ये शरीर भी, उसी प्रकार से ये मन भी, बुद्धि भी, हर चीज भगवान की है, तो इस मन बुद्धि शरीर के साथ मुझे भगवान की सेवा करनी है। मुझे जो भी संपत्ति मेरी केयर में दिया गया है, मेरी अधिकार में जो भी संपत्ति भगवान ने दिया है, उस संपत्ति का एकमात्र प्रयोग मुझे भगवान की सेवा में करनी चाहिए। उस प्रकार से हर चीज वो वैसे ही सोचेगा, मुझे व्यापार दिया, बिजनेस दिया गया है, उस बिजनेस के प्रयोग मुझे भगवान की सेवा में करनी चाहिए, धन के प्रयोग भगवान की सेवा में करनी चाहिए। उस प्रकार से जिनको ये कन्विक्शन है, तेन फिर वो प्राणे रत्ते दिया वाचा, प्राण से, धन से, अपने बुद्धि से, अपने वचन से हमेशा भगवान की सेवा करेगा। इसी को एतावान जन्म साफल्यमेतम, इसी को जन्म की सफलता के रूप में भागवतम वर्णन करती है। इस प्रकार की सफलता को हमें प्राप्त करनी है, देन फिर इस प्रकार के वैराग्य हमें लाना होगा। देन फिर वैसा वैराग्य में जो व्यक्ति स्थित है, देन कभी भी इन प्रकार के विचारों से वो उनकी नाम जब प्रभावित नहीं होता, वो बहुत ध्यान पूर्वक जब कर पाएगा, बहुत ध्यान पूर्वक जब कर पाएगा। अगर इस प्रकार के असली वैराग्य में जो व्यक्ति स्थित होता है, देन फिर वो बहुत ध्यान पूर्वक भगवान की नाम जप कर पाएगा, कभी भी कोई भी स्थिति उन्हें विचलित नहीं कर सकती है। तो इसलिए इस प्रकार के वैराग्य हमें लाना होगा। ठीक है, 7:30 बज गए, तो यहाँ पर हम समाप्त करते हैं। बहुत धन्यवाद। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव की श्रील प्रभुपाद की ठाकुर प्रेम।